तो दोस्तों कुल्फी तो आपने बहुत जगह की खाई होंगी, बट लखनऊ अमीनाबाद के प्रकाश की मशहूर कुल्फी की बात ही अलग है। तो दोस्तों चलते हैं आपको प्रकाश की मशहूर कुल्फी वाले के पास, जो कि 65 साल से अपनी कुल्फी से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो चलते हैं अंदर गाइस, करते हैं इनकी कुल्फी की टेस्टिंग और बताते हैं आपको कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग दूर दूर से आते हैं इनकी कुल्फी का स्वाद चखने। तो चलिए मेरे साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि इनकी कुल्फी जो होती है बिल्कुल मटके में रखी होती है, इसके अंदर बर्फ के टुकड़े रखे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, ये इस प्लास्टिक के कंटेनर में इनकी कुल्फी जमी होती है। और बाकी रही बात कैसे बनती है, तो ये मैं इनके ओनर से मिलते हैं और जानते हैं इनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी और पूछते इसमें क्या क्या डलता है ऐसा। चलिए गाइस मेरे साथ चलते हैं इनके ओनर के पास और करते हैं कुछ बातें और पूछते हैं इसकी मेकिंग के बारे में, कैसे बनाई जाती है। आइए मेरे साथ। तो गाइज मिलते हैं ओनर से। तो सर क्या नाम है आपका? नितेश अरोड़ा। नितेश अरोड़ा। नितेश। नितेश जी। ओके, तो नितेश जी बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई यहाँ की? शुरुआत श्री प्रकाश चंद अरोड़ा हैं, स्वर्गीय हमारे ग्रैंड फादर हैं, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। अच्छा। पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद बरेली आए, बरेली से फिर लखनऊ आए, फिर वो यहीं अमीनाबाद में रेडी में बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने इसी दुकान के बाहर लगाना शुरू किया, फिर एक दुकान खरीदी, फिर आज ये 5 दुकानों की एक दुकान है। अब हमारे इसके अलावा 3 और ब्रांचेस हैं, तो उनके द्वारा शुरू की गई थी। इट इज़ 65 ईयर्स ओल्ड एंड हियर वी आर। तो सर अगर मैं अमीनाबाद की बात करूँ, यहाँ पर आपको लगभग कितने साल हो गए? 65। ऑलमोस्ट 65 ईयर्स आपको हो चुके हैं। ओके, और सर कुछ बताइए अपनी कुल्फी के बारे में, इसकी मेकिंग के बारे में, क्या क्या इसमें डलता है, कैसे बनाई? मेकिंग बहुत स्पेशल है, टोटली हैंडमेड, टोटली विद इंटेंस लेबर एंड विद लव। इट टेक्स 6 to 7-8 आवर्स एक लॉट को प्रिपेयर करने में, प्योर नेचुरल, और एक भी इसमें आप कहें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है। और प्योर केसर, दूध, बादाम, पिस्ता, इलायची, और पूरा 4 घंटा दूध को पकाया जाता है। ओके, मैनुअली। तो पकाने के बाद जितना दूध ज़्यादा कड़ेगा उतने ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा जी। ओके, जितना वो डेंस होता जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके सब इंग्रीडियंट डालते हैं, फिर ये तांबे के मटके में इसको आइस और सॉल्ट के साथ 1-1.5 घंटा जमाते हैं। ओके, तब ये यहाँ पहुँचता है। तो टोटल प्रोसेस कितना है इसको बनाने में, कितना टाइम लग जाता है? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटे लगते हैं इसको और एक लॉट को बनाने। ओके, और अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं? आलमंड है, पिस्ता है, केसर डालते हैं, इलायची डालते हैं, रोज वाटर है, तो सबका ही इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं आपका मेन्यू भी देख पा रहा हूँ, तो आपके पास शुगर फ्री कुल्फी भी होती है? हाँ सर, 8-10 साल पहले, क्योंकि हमारे घर में भी सब डायबिटिक हैं और बाजार के ट्रेंड को देखते हुए अच्छा काफ़ी डायबिटिक लोग छोड़ जाते थे कि यार शुगर का इशू है, तो डायबिटिक लोगों को मीठे की क्रेविंग कुछ ज़्यादा होती है। हाँ सर, तो और वैसे भी बाजार में और जो मीठे हैं सब थोड़े सिंथेटिक होते हैं, मिठाई के अलावा आप आइसक्रीम वगैरह देखें, ये हमारा पूरा प्योर है, प्योर मिल्क का है, रेडी टू इंस्टेंट सर्व है। तो इसलिए सबका थोड़ा क्रेज़ उधर था कि हम कुल्फी खाएंगे, तो फिर इसलिए हमने शुगर फ्री शुरुआत करी। गर्मी के सीज़न में हम लोग कई फ्लेवर्स भी रखते हैं, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, रोज़, पान। वो आप गर्मियों में रखते हैं? हाँ सर, जब फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो खैर 12 महीने लोग शौकीन से खाते हैं। आपकी बेस्ट सेलिंग कुल्फी कौन सी है? सर केसर बादाम पिस्ता, बिकॉज दैट इज अ स्टैंड अलोन अ कुल्फी फ्लेवर। ओके, रेस्ट गेट्स कंपेयर्ड टू आइसक्रीम। ओके, कुल्फी हमारी टैगलाइन ये है कि कुल्फी कुल्फी होती है, कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती। कुल्फी आइसक्रीम नहीं हो सकती, राइट? तो दैट्स व्हाई। और अगर मैं यहाँ प्राइसेस की बात करूँ तो क्या प्राइसेस हैं आपकी कुल्फी के? 70 रुपीज का हाफ है। Okay. आप एक हाफ खाइए, यू विल गेट अ वेरी गुड टमी फिल्ड। ओके, भरपेट उसमें एक पोर्शन होता है। Okay. तो 70 रुपीज हाफ आइसक्रीम काफ़ी होता है वो हाफ प्लेट। सर खाने वाले तो 2-3 हाफ एक बार में खा जाते हैं। अच्छा, जो शौकीन होते हैं। हाँ, जो शौकीन तो 70 रुपीज का हाफ है। इट कम्स विद 2 प्लेन एंड अ वाइट फलूदा। ओके, एक प्लेन वाइट फलूदा होता है, एक येलो केसरिया फलूदा होता है। ओके, 2 फलूदा और कुल्फी, तो 70 रुपीज हाफ। और अगर सर मैं आपकी ये एक लोकेशन की बात करूँ और टाइमिंग्स की बात करूँ तो क्या बताइए? सर टाइमिंग हम 10 सुबह 10 बजे खुल जाते हैं। ओके, गर्मियों में रात 12 बजे तक, सर्दियों में रात 11 बजे तक। ओके, मेन अमीनाबाद चौराहे पे हैं हम लोग, ओल्ड लखनऊ के हब में, हार्ट में। और इसके अलावा हमारी 3 और ब्रांचेस हैं, एक अमीनाबाद, एक गोमती नगर में, एक चौक में और एक आलमबाग में। ओके, एंड दे ऑपरेट फ्रॉम 12 noon to 11 इन द नाइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन डिलीवरी, वो भी आप करवाते हैं? जोमैटो स्विगी। अच्छा, जोमैटो स्विगी पे आप हैं? वी आर देयर।
तो दूसरे आउटलेट से करवाते होंगे सर? हर आउटलेट का अपना ऑपरेशनल है, जोमेटो स्विगी पे ऑपरेशनल है। उसके अलावा कोई पर्सनली, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर कोई बाहर से आता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम स्टेशन से हैं, हम बस जा रहे हैं, हमको प्लीज स्टेशन पर डिलीवर करा दीजिए। तो अपने एंड से कस्टमर को जितना सेटिस्फाई करके हम एफर्ट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर मैं लखनऊ से बाहर ले जानी हो आपकी कुल्फी को, तो गेट्स पैक्ड इन आइस बॉक्स, थर्माकोल के आइस बॉक्स में पैक करा के, तो वो एक दिन चल जाता है सर? एक दिन दो दिन सब चल जाते हैं सर। अभी सर्दियों में तो खैर चली जाएगी बिल्कुल वो। तो नीतीश जी, फटाफट से फिर हमारी खास कुल्फी लगवाई है। बिल्कुल सर, आपको टेस्ट कराते हैं, आप खा के फिर आप बताइए। मैं अपनी ऑडियंस को तो रिव्यू दूंगा ही मैं। बिल्कुल बॉस, तो एक बार आप लगवाइए फिर एक बार देखते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी अब कुल्फी लगने जा रही है। ये भैया केसर पिस्ता है, ठीक है। सर जो इसमें कुल्फी में एक रंग आ रहा है, कलर देख रहा हूँ मैं येलो, वो केसर की वजह से? केसर का। अच्छा, वो केसर का रंग होता है। ओके, तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं अब इन्होंने डाल दिया फलूदा। अच्छा, दो तरह के डालते हैं, एक येलो। अच्छा, तो इसका क्या टेस्ट में भी फर्क है फलूदे में येलो कलर में? व्हाइट वाला बेसिक होता है। ओके, और जो हमारा येलो वाला है दैट इज शुगर बेस्ड। अच्छा, शुगर बेस्ड केसर से ही पकाया जाता है। ओके, और आपने ये इसके ऊपर क्या डाला था? ये सर रोज वाटर है। अच्छा, रोज वाटर डालते हैं, थोड़ा केसर डालते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रकाश की कुल्फी आ चुकी है जो कि बनती है दूध से, पिस्ता से, बादाम से, केसर भी यूज किया जाता है इसमें, और थोड़ा सा फेवरेट भी यूज करते हैं फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए। साथ में इन्होंने दो तरह के फलूदे डाले होते हैं, इसमें एक वाइट फलूदा और एक इनका जो येलो फलूदा होता है वो शुगर बेस्ड होता है, थोड़ा सा शुगरी होता है ये। तो टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे है। बहुत बढ़िया कुल्फी है गाइस, मज़ा आ गया। अगर मैं फ्लेवर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है केवड़े की। और अगर रही बात मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी मात्रा में डले हुए हैं इसमें, तो मुँह में जाते ही घुल रही है कुल्फी। तो गाइस वाकई में ही अगर मैं बात करूँ तो ये पुराना लखनऊ है, अमीनाबाद जहाँ हम खड़े हैं, तो वाकई में जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वो हमेशा ऑथेंटिक ही रहती हैं, वो हमेशा आई मीन एवन रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि अच्छी कुल्फी अमीनाबाद में वो देता होगा, बहुत बेहतरीन कुल्फी है, तभी इतने सालों से लोग उनको प्यार दे रहे हैं यहाँ पर आके। जब भी लखनऊ अमीनाबाद आएँ, क्योंकि यूजली यहाँ पे लोग कपड़ों की शॉपिंग करने आते हैं, चिकन के कपड़ों की, कुर्ते पजामे के लिए, हर चीज़ों के लिए, तो अब जब भी आएँ तो अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइए प्रकाश कुल्फी वाले के पास, काफ़ी मशहूर है ये। और इसलिए नीचे वाल भी अमीनाबाद के मेन चौराहे में पड़ता है आपको, तो प्लीज़ आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए इनकी प्रकाश की कुल्फी। ये पिस्ता बादाम वाली कुल्फी है, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है, बहुत बढ़िया, और मीठा भी प्रॉपर डाला हुआ है। और रही बात जैसे पहले भी इंटरव्यू में भैया ने बताया कि शुगर फ्री कुल्फी भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर फ्री कुल्फी भी इंजॉय कर सकते हैं। टू गुड गाइस, मज़ा आ गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।